अधूरा ज्ञान होता है आफत बचाना। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब अलीगढ़ के थाना क्वारी क्षेत्र के रामगढ़ रोड से टीकाराम इंटर कॉलेज के सामने कुछ युवक प्रैंक वीडियो बना रहे थे, तो वहीं आसपास के लोगों ने इसका विरोध जताते हुए उन युवकों पर छात्राओं के साथ में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए थाने भेज दिया। वहीं बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इसको देखा, इस दृश्य को देखा, किस तरीके का मामला था। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अभिषेक सैनी है। अभिषेक, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहता हूँ, और दूसरी बात, कल का ये मामला 28 सितंबर दोपहर के 1 बजे का, यहाँ पे कुछ लोगों ने आके भालू की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, जिससे वो उनका कहना है कि वो प्रैंक वीडियो बना रहे थे। भैया हमारा साफ साफ आपके दर्शकों से और थाना क्वारसी के जो भी जितने भी वो हैं सुरक्षा बल हैं उनसे बस यही कहना है कि भैया ऐसे प्रैंकों को बिल्कुल निर्देश लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है विद्यार्थियों पर छात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी वो कल किसी भी तरह का प्रैंक कर रहे थे, चलो अच्छी बात। कल क्या मामला था मैं बताऊं, कल का क्या मामला था, कल 1 बजे भीड़ आई, 4-5 लड़के आए थे बाइक पे बैठ के, एक जिसमें से एक ने भालू की कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, वो लड़कियों को डरा रहे थे। पहले ये मामला शुरू हुआ चमन बुक सेंटर से, फिर अग्रवाल सर वाले शैली शॉप से, तो उस पर क्या था कि लड़कियों की ज़्यादा तादाद में भीड़ आ गई थी, वो डर रही थी, वो भाग रही थी इधर से उधर, इसे भागने में भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती, वाहन चलते रहते हैं, ऑन रोड है ये, चलता हुआ रोड है, कोई वाहन आ रहा था तेज वाहन अगर गति से आता है तो किसी छात्रा की दुर्घटना भी हो सकती थी। तो ये मैं तो भैया यही कहना चाहूँगा कि इस प्रैंक वीडियो को बिल्कुल बंद किया जाए, इससे क्या होता है भैया हमारी दुकानों को भैया बहुत नुकसान होता है, यहाँ पे भीड़ एकाग्रता हो जाती है, जिससे हमें भैया कहने में बहुत मुश्किल होती है, किस किस से कहेंगे। तो भैया ये प्रैंक वीडियो ना हो शूट भैया, बस मैं तो यही आपसे निवेदन है। तो फिर उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया, क्या करा भैया? किया भैया मैंने कुछ नहीं किया, मतलब पब्लिक ने हाँ, आसपास के दुकानदारों ने कंप्लेंट करी, क्योंकि भैया दुकानों को भैया बहुत भारी नुकसान होता है, ये छुट्टी का माहौल होता है, भगवान ना करे कल कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले यहाँ पे दुकानदारों से पूछताछ होती है कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो भैया बस हमारा यही माध्यम है आपके चैनल द्वारा कि भैया इस प्रैंक को बिल्कुल बंद किया जाए, इस पर बिल्कुल बैन लगाया जाए। कल को आज को ये वो तो बियर प्रैंक कर रहे हैं, भालू का प्रैंक कर रहे हैं, कल को ये हो सकता है रोज प्रैंक करें, प्रपोज प्रैंक करें, इससे क्या है विद्यार्थियों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ने लिखने वाले छात्राएं या छात्राएं इन पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो देखिए यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि इस तरीके की जो प्रैंक जो वीडियो हैं वो उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो वहीं आपको बताना चाहूँगा कि प्रैंक वीडियो आखिर होता क्या है। प्रैंक वीडियो होता है ये है कि जो मजाक वाला जो वीडियो सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट पर जो बनाते हैं वो प्रैंक वीडियो कहलाया जाता है, पर वहीं आपको बताना चाहूँगा वो लोग नौ सीखे निकले, जो प्रैंक वीडियो जो आजकल हम सोशल मीडिया पर देखते हैं वो प्रायोजित होते हैं, वो उसी का पार्ट होता, जो लड़का लड़की जो होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं तभी वो पूरी तरीके से प्रायोजित वीडियो को शूट करते हैं, लेकिन नौ सौ लड़कों को नहीं पता था कि ये प्रायोजित नहीं होता, उन्होंने यही गलती करी, अलीगढ़ के रामगढ़ रोड से टीआर कॉलेज पर वो प्रैंक वीडियो बनाने लगे, जिसका विरोध वहाँ के स्थानीय लोगों ने करा और छेड़खानी का आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। ये उनकी एक नादानी थी जिससे उन्होंने इस पर सीख भी ली होगी। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DNSP न्यूज़ अलीगढ़।